नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आज का ये मेरा आउटडोर वीडियो है और ये वीडियो को सडनली ही मैंने बनाया है। हमें बच्चों के स्कूल जाना पड़ा कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए, तो सभी पेरेंट्स को अलग अलग बैचेस में बुलाया गया है। पर देखिए, बहुत अच्छा लगा, मौसम कितना सुहावना हो रहा है। लग रहा है बस थोड़ी ही देर में बारिश भी होने वाली है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर लूँ, आप लोग को भी अच्छा लगेगा देखने में। बहुत ही मुश्किल में, इमरजेंसी में ही बाहर निकलना होता है। और चूंकि मेरे पास कोई पर्सनल कन्वेंस नहीं है, इसलिए हमने कैब बुक कर ली थी और हम स्कूल के। देखिए मैंने ग्लास भी हटाया, पर ये बारिश की बूंदें अचानक से गाड़ी के अंदर आने लगी हैं, तो मैं ग्लास वापस ऊपर से चढ़ा देती हूँ। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए बारिश तेज़ हो गई है, बारिश की बूंदें कितनी तेज़ हो गई हैं कि हमारी गाड़ी पर साफ ग्लास में आपको नज़र आ रहा होगा, कितना ग्लास भी भीग चुका है, कितनी बारिश हो रही है। तो चलिए थोड़ा सा इस बारिश का आउटडोर आनंद लेते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है। दिखाती हूँ कितनी ग्रीनरी है, कितना अच्छा लग रहा है रोड पर, एकदम ग्रीन ग्रीन सा। और बस हम स्कूल पहुँचने ही वाले हैं, और स्कूल पहुँचने के बाद सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद वापसी में आपसे फिर बात होगी। अब हम लोग स्कूल से वापस लौट रहे हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। और देखिए ट्रैफिक का जैम हो रहा है, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे टर्न ले रही है। दोपहर का टाइम है, फिर भी अच्छा खासा ट्रैफिक है। अभी तो लॉकडाउन था तो एकदम सड़कों पे सन्नाटा छाया था, बट जब से अनलॉक हुआ है अब रौनक दिखने लगी है। फल सब्जी वाले खूब खड़े हुए हैं, लेकिन चूँकि धीरे धीरे बारिश अभी भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, इसलिए फल सब्जी वालों के ठेले पर भीड़ नहीं है, पर वो पूरी रोड पर खड़े हुए हैं। अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी अच्छा सुहावना मौसम है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं फल सब्जी के ठेले खड़े हुए। मन तो कर रहा था थोड़ा सा ले लूँ, पर ये है ना, बारिश हो रही थी तो हम रुक नहीं सकते। ये हम डिपार्टमेंटल स्टोर में रुक गए हैं, हमें कुछ सामान लेना था। और देखिए बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है इस वक्त, बहुत तेज़ बारिश। और मैंने घर का ज़रूरी सामान लेना शुरू कर दिया है। कभी कभी इमरजेंसी में बाहर निकलना होता है तो मैं घर का सामान भी ले लेती हूँ। रोज़ रोज़ कौन बाहर निकलेगा। ये देखिए चावल है, दाल है, वो ये जो घर के ज़रूरी राशन का सामान होता है। मैंने कहा इन्हें भी हाथ के हाथ लेती चलूँ, फिर अलग से कौन बाहर आएगा। तो जो भी ज़रूर सामान है घर का डेली यूज़ का, वो मैं धीरे धीरे लेती जा रही हूँ। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है इस वक्त एकदम, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद इतना अच्छा और ठंडा सा मौसम हो गया है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो मैंने सोचा सामान भी ले लूँ, गाड़ी भी बाहरी कैब हमारी खड़ी हुई थी, तो एक एक करके मैं सब सामान लेती जा रही हूँ। अब ये बच्चों का थोड़ा सा नाश्ते का सामान ले लिया है, ये देखिए थोड़ा बहुत सामान मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब सामान ले लिया है। आप लोग को भी दिखाती जा रही हूँ मैंने क्या क्या लिया है। अभी देखिए चीनी के पैकेट्स हैं, एकदम से मुझे याद आया कि अरे चीनी भी ख़त्म हो रही है, तो लाओ वो भी हाथ के हाथ ले लेती हूँ। और ये देखिए दोपहर का टाइम है, ऑलमोस्ट साढ़े तीन बज रहे हैं। खाली खाली सा ही है स्टोर, ज़्यादा लोग नहीं हैं। अब हम लोग घर पहुँच गए हैं और बाहर पैसेज में ही सब सामान रख दिया है। अब नहा कर आप लोगों से फिर बात होती है कि बाहर से आके नहाना धोना भी ज़रूरी है। और ये देखिए शाम हो चुकी है, 4:30 बज रहे हैं। मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली है, ये प्याज है और मीठी नीम जिसे करी पत्ता भी कहते हैं वो रेडी कर लिया है।
और ये कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है 2 टेबल स्पून। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी ब्रेड का पोहा शेयर कर रही हूँ। ये पोहा तो सभी बनाते हैं, ब्रेड का पोहा बहुत बहुत इंस्टेंट और बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनता है। क्योंकि भूख हम लोगों को बहुत लगी थी, बारिश से आई है, नहा धो के बहुत भूख लगती है, तो क्यों मैंने सोचा जल्दी से यही नाश्ता प्रिपेयर हो जाएगा और इसकी रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और ये प्याज डाल दी है मैंने, प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई कर लेते हैं। और हाँ, मैंने थोड़ा जीरा भी डाला था सबसे पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत जल्दी में हो ना तो इस आपको मैं बताना भूल गई, तो सॉरी। और फिर ये प्याज देखिए ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है, और अब हम फ्लेम को एकदम धीमा कर लेते हैं। ये ब्रेड ले लिया है मैंने, ये 8 स्लाइस है ब्रेड के, और आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से जैसे भी चाहें तो ले सकते हैं। मैंने 8 स्लाइस ले लिए हैं। और अब ये प्याज में मैंने करी पत्ता डाल दिया है। करी पत्ता बहुत अच्छा होता है, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, मैं ऑलमोस्ट अपने हर खाने में करी पत्ता ज़रूर डालती हूँ, बहुत और अच्छा फ्लेवर और टेस्ट भी आता है इसे खाने में। और ये देखिए मैं अब टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ, क्योंकि जब मुझे जल्दी होती है तो मैं इमरजेंसी में ही यूज़ करती हूँ। वैसे भी आजकल देखिए टमाटर कितने महंगे आ रहे हैं, तो ये इमरजेंसी में इंस्टेंट जब कोई चीज़ बनानी हो और टमाटर अवेलेबल ना हो घर में, तो मैं टमाटो प्यूरी ही डालती हूँ। इससे भी अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, चाहे प्योरी हो या टमाटो हो। ये मैंने 1/2 स्पून लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और 1/2 स्पून गरम मसाला लिया है। ज़्यादा मसाले की इनमें ज़रूरत नहीं होती है, बस 2-3 मसाले की ज़रूरत पड़ती है। अब इनको अच्छा से मिक्स कर लिया है और मसाले अच्छे से भुन गए हैं, मिक्स हो चुके हैं। और ये दूसरी तरफ मैं भूल गई थी जल्दी में कि इसमें मूंगफली दाने भी फ्राई करके बन पड़ते हैं, तो मैंने दूसरी तरफ पैन में ये मूंगफली दाने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए चावल का पोहा जो आप लोग जनरली खाते हैं तो उसमें मूंगफली दाना पड़ता है, ये सेम प्रोसीजर इसका भी है, बस हम पोहे की जगह इसमें ब्रेड कर देते हैं। और ये मूंगफली के दाने फ्राई हो चुके हैं, एक अलग बॉल में निकाल लेते हैं। इसके बाद मैंने कुछ आलू भी कट करके पहले से ही रख रखे हैं। अब इन आलू को भी छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, वो खाने में अच्छे लगते हैं। इन आलू को भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए आलू, अब इन्हें भी हम बॉल में निकाल लेते हैं। आलू फ्राई हो चुके हैं, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब ये ब्रेड के जो स्लाइस मैंने आपको दिखाए थे, इनको एक बॉल में आप पानी ले लेंगे और 1 बाय 1 को डिप कर लेंगे, और ऐसे स्क्वीज़ करके आप उनको कढ़ाई में डालते जाएंगे। ये देखिए वन बाय वन ऐसे स्क्वीज़ करके अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे। ये पानी में डालने से क्या होता है, ये सॉफ़्ट हो जाते हैं, वरना ये ड्राई रहेंगे। अगर आप बिना पानी में डाले खाएंगे तो ये बहुत ड्राई रहेंगे, ऐसे सॉफ़्ट हो जाते हैं, एकदम घुल जाते हैं। अब मैंने ऊपर से जो फ्राई किए पीनट्स थे और आलू के पीसेस थे वो भी डाल दिए हैं। अब हल्का सा नमक डाल देते हैं। एक बात और है, आप इसमें नमक ना हल्का ही डालें थोड़ा, अगर क्योंकि ब्रेड का पोहा ऐसा होता है जरा भी नमक ज़्यादा हो गया तो इसका टेस्ट एकदम ख़राब हो जाता है, तो नमक थोड़ा सा हाथ रोक कर ही डालें इसमें, तो ये बहुत अच्छा बनेगा। अब देखिए पोहा बनकर तैयार हो चुका है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ये वाकई में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, घर में भी ये सबको बहुत पसंद आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी और मेरा आउटडोर टूर कैसा लगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।